अरे यार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए इतनी देर से आया मैं, लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए। जी शुक्रिया। बैठिए। जी शुक्रिया। बताइए क्या बात है? देखिए, नाजिरा केस मुलतवी करवाने में कामयाब होगी। अब हर कोशिश करेगी, हथकंडे अपनाएगी केस जीतने के लिए, और हमें 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 ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। देखिए, हमें नादिरा की तरह कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मुझे ना तो झूठे गवाह पेश करने हैं और ना ही झूठे सबूत। ये बात मैंने अमान साहब से भी कही थी। मैं जानता हूँ, और शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं हर केस सच्चाई की बुनियाद पर ही लड़ता हूँ, और यहाँ पर वही करूँगा मैं। हीना जी, देखिए, अकरम और रूबी की कमजोरियाँ जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सब सिर्फ आप मुझे बता सकती हैं। मैंने तो सिर्फ अकरम की अच्छाइयों पर ही नज़र रखी है, और जहाँ तक रूबी का सवाल है, मैं उसके बारे में उतना ही जानती हूँ जितना कि आप जान चुके हैं। कोई तो होगा जो दोनों को जानता हो, अच्छे तरीके से जानता हो। मुझे लगता है आपको समीर से बात करनी चाहिए। समीर अकरम के बचपन के दोस्त हैं, और रूबी को भी वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। हाँ बोलो बेटी, सब खैरियत तो है? जी हाँ आंटी, मुझे समीर से बात करनी थी। वो तो दिल्ली चला गया है। दिल्ली? वो किस लिए? तुम दोनों ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? रूबी और सुल्ताना के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? जब तक हम पूरा राज जान नहीं लेते, हम किसी को क्या बताते? अच्छा एक काम करो, अब तुम दोनों मुंबई चले जाओ, वहां हीना अकेली उसे संभालो, और मैं यहां रुककर रूबी और सुल्ताना का राज पता करता हूं। जिस दिन मुझे उनके राज के बारे में पता चल गया, उस दिन हीना की जीत का फैसला होगा, तलाक के मुकदमे का रुख बदल जाएगा। लेकिन आप करेंगे क्या? मैं क्या करूंगा ये सब मुझ पे छोड़ दो। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। थैंक यू। कहिए जी। मेरा नाम समीर है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं नगमा बेगम के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। नगमा बेगम के बारे में? जी, आप उनको जानती है ना? नगमा यहीं तो रहती थी, पास के मकान में। उन दिनों वो बहुत खुश थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया। क्या बताया उसने? उसकी शादी हुई है। हालांकि जिससे उसकी शादी हुई थी उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। नगमा को उसने यहीं रख छोड़ा था, वो खुद यहाँ आया जाया करता था। फिर एक रात को नगमा और उसके बीच झगड़ा हो गया, और फिर कभी वो लौट के नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नगमा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के बाप को ना तो नगमा कभी ढूंढ पाई, ना वो कभी लौट के आया। इस वक्त नगमा कहाँ है? कोई नहीं जानता वो कहाँ चली गई। उसकी एक बहन थी सुल्ताना, उसकी बच्ची को वो अपने साथ लेकर चली गई। इसका मतलब रूबी ही वो लड़की है। नगमा की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ, मेरे घर पार्टी हुई थी, उसमें वो लोग भी आए थे, नगमा और कौन? और उसके शौहर, यानी रूबी का बाप। रूबी? वही लड़की, वो पार्टी की तस्वीरें दिखा सकती हैं आप? हाँ दिखाइए ना, मैं लेके आती हूँ। देखो
ये तस्वीरें देखो, ये मैं हूँ और ये मुझे नगमा की तस्वीर दिखाइए। देखो ये नगमा है और ये मैं। अच्छा मुझे उस शख्स की तस्वीर दिखाइए जो नगमा का शौहर है। देखो यही है, यही है नगमा का शौहर। इसमें इसमें ठीक से दिखाई नहीं देते, कोई और तस्वीर है इनकी आपके पास? नहीं और तो कोई नहीं। अच्छा इनका नाम अब्बास है ना? अब्बास? अब्बास तो नहीं था, कुछ और है। याद कीजिए। नहीं बेटा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक से याद कीजिए, शायद आ जाए। हाँ लेकिन वो बंबई का रहने वाला था और वहीं से आया जाया करता था। मतलब मुझे उसकी तलाश बंबई में ही करनी होगी। सुल्ताना बेगम मैं आ रहा हूं। खालाजान मैं कहीं जाने की तैयारी कर रहा। मैं ये घर छोड़ के जा रही। अब ये घर छोड़ के जा रही क्यों? हमारे कहने पर मम्मी ये घर छोड़ के जा रही है। अब हम आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकते। खालाजान कह दीजिए कि ये सब कुछ बकवास है, कह दीजिए। नहीं अकरम, तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे गुनाहों में शरीक होना ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है जाइए, जाइए यहां से, जाइए आप भी। मैं भी देखता हूं कि आप लोग कहां जाते हैं। वही मिर्जा के घर ना? अरे वो अपने घर में जगह नहीं देगा आपको। हमें उनके घर में नहीं सिर्फ उनके दिल में जगह चाहिए। सर छुपाने के लिए एक आप ही की छत बची है क्या? सबा छत को सड़क पे पड़ी हुई चीज नहीं है कि बाहर जाते मिल जाएगी तुम्हें। सड़क पे मैं नहीं, तुम आ चुके हो अकरम। दो ही दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा मैंने अपना नया बंगला कहां खरीदा, और जहां मैं रहूंगी मेरे बच्चे भी वहीं रहेंगे। चलो बच्चो जाइए, कोई नहीं चाहिए मुझे, जाइए यहां से। हीना, 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 हीना। सब उसी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी हीना, चुकानी पड़ेगी तुम्हें। स्मिथ ये आप क्या कर रही है? ढूंढ रहे हैं योर ऑनर, लेकिन क्या करें मिल ही नहीं रहा है। अब क्या ढूंढ रही है? ढूंढ रही है बचाव का रास्ता, क्योंकि इनके मुवक्किल के खिलाफ मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। यही योर ऑनर, बिल्कुल यही बात, सच्चाई। मगर योर ऑनर सुई के बराबर भी सच्चाई हमें इस मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढ के नहीं मिल रही है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये अदालत का मजाक उड़ा रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज साहब, कबीर साहब ने फरमाया कि अकरम ने बिना वजह हिना को तलाक दिया। अकरम ने हिना को तलाक क्यों दिया? आज इसी बात का जवाब देने आई है यहाँ पर नादिरा मीर, और जवाब भी ऐसा मिलेगा कि हिना तो क्या, हिना के सभी चाहने वाले देखते रह जाएंगे, और हिना के चाहने वालों की कोई कमी तो है नहीं। क्यों ना, हम गलत कह रहे हैं? सुल्ताना बेगम, सुल्ताना बेगम योर ऑनर, सुल्ताना बेगम। कौन सुल्ताना बेगम? अकरम की दूसरी बीवी की प्यारी सीमा, बहुत ही भली औरत है बहुत ही। खुद गई तो अकरम की मदद करने चली थी। अकरम, अकरम बेटा तुम परेशान मत हो, हम है ना, हम तुम्हारा गम समझ सकते हैं। हीना बीवी है तुम्हारी, इसीलिए परेशान रहती है। दूसरे से तुम्हारा नुकसान वो नहीं देख सकती,
और तुम उसे परेशान नहीं देख सकते। कोई बात नहीं बेटा, हम है ना, हम साथ देंगे तुम्हारा, हम मदद करेंगे तुम्हारी। योर ऑनर, कितनी ही नेक और भली औरत है ना सुल्ताना बेगम। समीर, मैं बहुत ही मक्कार औरत हूं, मैं रूबी नहीं हूं कि तुम मुझे चिल्लाकर चुप कर दोगे। मेरे ऑफिस में आए हो तो अदब से बात करो। ऑफिस तुम्हारा है सुल्ताना बेगम, लेकिन वक्त वक्त हमारा है। मैं तुम्हारे सारे राज जान चुका हूं। राज? कौन से राज? कहा ना सारे राज। अच्छा खेल खेला है तुमने सुल्ताना। रूबी तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, रूबी तुम्हारी बहन की बेटी है और उसका बाप भी कोई और है। तुम उससे बदला लेना चाहती हो, उसे बर्बाद करना चाहती हो, है ना? अच्छा, तो तुम मुझे यहां धमकी देने आए हो? धमकी नहीं सुल्ताना बेगम, मैं चाहूं तो ये सारी बातें रूबी को कह सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूं, अकरम की हार और हीना की जीत का सौदा। मंजूर है? सुल्ताना बेगम ने तो भलाई की थी, अकरम और रूबी को बिजनेस में पार्टनर बनाया राजा साहब के जरिए, मगर हीना सीने पर तो सांप लोट गया। शक करने लगी है, इन्होंने अकरम का जीना मुश्किल कर दिया। बेबुनियाद कहानियां गढ़ना तो नादिरा जी की पुरानी आदत है, आदत से मजबूर है योर ऑनर, वही कर रही है आज ये। जज साहब, बेबुनियाद कहानी नहीं, हमारे पास गवाह मौजूद है और गवाह भी ऐसा जो हीना का भला चाहता है। योर ऑनर, वो बाहर है, हम चाहेंगे कि हम उन्हें यहाँ अंदर बुला सके और उन्हीं के मुंह से कहलवा सके कि हीना ने हमारी मुवक्किल के साथ किस तरह से जुल्म और ज्यादतियां की हैं। क्यों हीना, आप जानते हैं कौन है वो? मैं कसम खाकर कहता हूँ सुल्ताना बेगम, मुझे तुम्हारी रूबी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मेरा तो बस एक ही मकसद है, हीना की खुशियां लौटाए बस। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सब कुछ कर सकती हो, अकरम तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम उसको मजबूर करो कि वो हीना को तलाक दे, हीना को उसकी जिंदगी से आजाद करा दो, उसे तलाक दिला दो बस, ताकि तुम हीना से शादी कर सको। सुल्ताना बेगम, चिल्लाओ मत। मैंने तुमसे कहा था ना, आवाज नीची रखो। मैं यहां नेकी का इरादा लेकर आया था, मगर लगता है तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना वरना क्या?